सियासत में एनसीपी चीफ शरद पवार की कद काठी कितनी बड़ी है ये किसी से छिपी नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वो पिछले 6 दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। शरद पवार के साथ उनके भतीजे अजित पवार का भी कद सियासत में काफी बड़ा है। हाल ही में उनके चाचा से की बगावत महाराष्ट्र के साथ साथ देश में भी तहलका मचाए हुए है। हालांकि शरद और अजित के अलावा इन दिनों पवार फैमिली से एक और नाम काफी सुर्खियां बटोर रहा है और वो नाम है रोहित पवार का, जिसे पवार परिवार से सियासत का अगला बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर रोहित पवार कौन है और उनके नाम पर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा क्षत्रप के साथ साथ पवार फैमिली की भी बड़ी धाक रही है। देश के अन्य राजनीतिक परिवारों की तरह महाराष्ट्र में शरद पवार के परिवार की भी एक राजसी विरासत है। बेहद छोटे से गांव से आने वाला ये परिवार महाराष्ट्र की राजनीति पर लंबे अरसे से हावी है। पवार परिवार से प्रदेश की राजनीति में 2 मंझे खिलाड़ी निकले हैं। हालांकि इन दिनों शरद और अजित पवार के अलावा रोहित के नाम की भी काफी चर्चा हो रही है। वो इसीलिए भी क्योंकि रोहित दादा शरद पवार के साथ दिन रात साईं की तरह दिखाई देते हैं। ऐसे में रोहित पवार को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें रोहित शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहेब के पोते हैं, जो मौजूदा विधानसभा में कारजात सीट से विधायक है। 37 साल के रोहित दादा शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के भरोसेमंद है। बताया तो ये भी जा रहा है कि वो जल्द ही अपने दादा के साथ पूरे राज्य के दौरे पर निकलने वाले हैं। शरद पवार का पैतृक गांव बारामती जिले के काटेवाड़ी में है। भयंकर सूखे की समस्या की वजह से उनके पूर्वज सतारा से विस्थापित होकर बारामती के काटेवाड़ी में आकर बस गए थे। यहां आकर उनका परिवार गन्ने की खेती करने लगा और धीरे धीरे गन्ना उत्पादकों के बीच बड़ी पैठ बना ली। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि उनके पिता गोविंद राव पवार और माता शारदा बाई पवार की कुल 11 संतानें हैं। शरद पवार से बड़े उनके 3 भाई हैं, वसंत राव पवार, अप्पा साहेब और अनंत राव पवार। तीनों बड़े भाइयों का निधन हो चुका है। शरद पवार के एक छोटे भाई और एक बहन भी है। शरद पवार के सबसे बड़े भाई वसंत राव पवार की गन्ना फसल लूटने आए डकैतों के साथ मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। दूसरे बड़े भाई अप्पा साहेब के 2 बेटे हुए, एक राजेंद्र पवार और दूसरे रणजीत पवार। राजेंद्र पवार एग्रो बिजनेसमैन है, जबकि रणजीत वाइन इंडस्ट्री में है। राजेंद्र पवार के एक बेटे रोहित पवार है, जो मौजूदा विधानसभा में कारजात सीट से विधायक है। रोहित दादा शरद पवार के साथ दिन रात साई की तरह रहते हैं। बताया जा रहा है कि शरद पवार रोहित को एनसीपी की अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर तैयार कर रहे हैं। रोहित ने पवार परिवार के गृहनगर बारामती से 2017 में जिला परिषद का भी चुनाव जीता था। माना जाता है कि रोहित की बढ़ती नजदीकियों से अजित पवार असहज महसूस कर रहे थे। शरद पवार के तीसरे बड़े भाई अनंत राव पवार थे, उनका भी निधन हो चुका है। वो बारामती से पुणे जाकर बस गए थे। अनंत पवार ने 30 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था। मशहूर फिल्म निर्माता वी शांताराम के सहायक निर्देशक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उन्हीं के बेटे हैं अजित पवार, जिन्होंने चाचा शरद पवार को सियासी झटका दिया है। अजित पवार 3 भाई बहन हैं। उनके एक बड़े भाई हैं श्रीनिवास, जो ऑटो मोबाइल और एग्रो इंडस्ट्री में कारोबारी है। उनसे छोटी एक बहन है जिनका नाम विजया पाटिल है, वो मीडिया पर्सन है। अजित पवार की शादी सुनेत्रा पवार से हुई है। उनके 2 बेटे हैं, बड़े बेटे पार्थ जो राजनीति में है और पिछला लोकसभा चुनाव मावल सीट से हार चुके हैं। वही बात अगर शरद पवार की करें तो पवार की पत्नी का नाम प्रतिभा पवार है। पवार की इकलौती बेटी सुप्रिया सुले है, जो कि एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष है। फिलहाल पवार परिवार के बीच का आपसी विवाद महाराष्ट्र सियासत की नींव को हिला चुका है। ऐसे में अजित की बगावत और शरद के साथ रोहित की नजदीकियां सियासत में क्या बदलाव लाएगी, ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.